गुलाब जामुन को सॉफ्ट बनाने के लिए मावे में थोड़ा सा पनीर डालकर मिला लीजिए। गुलाब जामुन एकदम रसीले, मुलायम और टेस्टी बनेंगे। नंबर 2, रोटी बनाने के बाद उसे 8 से 12 घंटे के बाद खा लेना चाहिए। अगर आप उन्हें ज्यादा बनने के बाद फ्रिज में रख देते हैं तो कुछ घंटे बाद ही उन्हें खा लें, क्योंकि फ्रिज में रखी रोटी खाने से आपको बचना चाहिए। ज्यादा समय तक फ्रिज में रखी रोटी खाने से आपका पेट खराब हो सकता है। नंबर 3, संतरे के छिलकों को धूप में सुखाकर उसका पाउडर बना लीजिए। फिर चाहे तो आप उसे फेस पैक में मिलाकर चेहरे पर भी लगा सकती हैं। इससे आपके चेहरे पर ग्लो आ जाएगा और इसे आप हलवा और केक जैसी चीज बनाते समय उसमें डाल सकती हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। नंबर 4, मटर पनीर की सब्जी बनाते वक्त उसमें 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी और आधा कप के करीब दूध डाल दीजिए। इससे सब्जी का टेस्ट दुगना बढ़ जाएगा। नंबर 5, रसगुल्ला स्पंजी बनाने के लिए रसगुल्ले की चाशनी को पकाते समय जब रसगुल्ला चाशनी में फूलने लगे तो बीच बीच में उसमें 1 से 2 बड़े चम्मच पानी डालें। इससे चाशनी गाढ़ी नहीं होगी और रसगुल्ला ज्यादा स्पंजी बनेगा। नंबर 6, नींबू का अचार बनाते समय इसमें थोड़ा सा गुड़ ग्रेट करके डाल दीजिए और उसे अच्छे से मिला लें। इससे अचार ज्यादा टेस्टी बनता है। नंबर 7, घर में मावा या खोया बनाते समय गैस की आंच तेज रखें और इसे लगातार चलाते रहें। इससे दूध बर्तन की तली में जलेगा नहीं और मावा सफेद बनेगा। नंबर 8, अगर चावल बच गए हैं और उन्हें दोबारा से गर्म करना है और आपके घर में माइक्रोवेव भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक कढ़ाई में हल्का सा घी लगाएं और उसमें चावल को डालकर गैस ऑन कर दें और पानी के छींटे देकर उसे ढक दें और धीमी आंच पर पकाएं। ऐसा करने से चावल एकदम फ्रेश हो जाएंगे। नंबर 9, अगर घर में रखी कैंची की धार खराब हो गई है तो उसकी धार को बढ़ाने के लिए कैंची को नमक के डिब्बे में 2 से 3 मिनट तक चलाएं। ऐसा करने से कैंची की धार तेज हो जाएगी। नंबर 10, जब दाल बनाते समय प्रेशर कुकर के ढक्कन से बार बार पानी निकलता है, वह आसपास सब गंदा हो जाता है, तो इसके लिए आप प्रेशर कुकर में जब दाल को उबालने के लिए रखें तब इस समय उसमें स्टील का छोटा चम्मच डाल दें। ऐसा करने से दाल बाहर नहीं आएगी। नंबर 11, जब भी आप चावल के आटे का कुछ भी बनाते हैं और उसको पानी के साथ गूंथते हैं तो वो फटने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि चावल का आटा गूंथते समय फटे नहीं तो उसे आप गुनगुने पानी से गूंथें। ऐसा करने से जब भी आप चावल के आटे का कुछ भी बनाएंगे वो फटेगा नहीं। नंबर 12, आलू की टिक्की बनाने के लिए आलू को उबालने के बाद उसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। इससे टिक्की बनाते समय आलू फटेंगे नहीं और टिक्की भी क्रिस्पी बनेगी। नंबर 13, बाजरे या ज्वार की रोटी बनाते समय वो फटने लगती है और वो बन नहीं पाती, तो इसके लिए इसका आटा गुनगुने पानी से गूंथें। इससे रोटियां नरम बनेंगी और फटेंगी भी नहीं। नंबर 14, हरी मिर्च का अचार बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इसे खराब होने से बचाने के लिए इसमें थोड़ा सा व्हाइट विनेगर डाल दीजिए। इससे मिर्च का अचार खराब नहीं होगा। नंबर 15, कभी कभी रोटी को बेलते समय वह बेलन पर चिपकने लगती है, तो इसके लिए बेलन को 4-5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए, फिर रोटियां बनाएं। इससे आटा बेलन पर चिपकेगा नहीं। नंबर 16, कीवी का पल्प निकालने में अगर परेशानी होती है तो उसे 2 हिस्सों में काटकर चम्मच से उसका पल्प निकालें। इससे वह आसानी से निकल आएगा। नंबर 17, लच्छा पराठा बनाते समय लच्छे को कुछ समय फ्रिज में रख दें और फिर सेकें। इससे एक एक परत आराम से उतरेगी। नंबर 18, अदरक को आप कद्दूकस करके 1-2 दिन धूप में सुखा लें और इसे पीस लें और फिर किसी शीशी में भर के रख दें। यह सूखे अदरक का पाउडर तब काम आता है जब घर पर अदरक खत्म हो जाए। अदरक के इस पाउडर को आप चाय में या सब्जी बनाते समय तड़के में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय सब्जी का स्वाद बढ़ जाएगा। नंबर 19, करी पत्ता और पुदीना भी सुखाकर स्टोर कर सकते हैं। पहले इन्हें अच्छे से धो लें, फिर 1-2 दिन धूप में अच्छे से सुखा लें और फिर अच्छी तरह मसलकर किसी कांच के जार में भर के रख दें। इन पत्तियों के पाउडर को आप किसी सब्जी, दाल या दही के ऊपर एक मसाले की तरह डालकर खा सकते हैं।
यह खाने का स्वाद बढ़ाएंगे। नंबर 20, कमल ककड़ी, जो कि कमल की डंडी होती है, उसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, पर उसे साफ करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप एक बात का ध्यान रखें, जब भी मार्केट से खरीदें, दोनों तरफ से बंद होना चाहिए, क्योंकि जब किनारों से खुली होती है तो मिट्टी उसके अंदर चली जाती है और उसे साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल मौली मिक्कू क्रिएशन को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।